Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that you broke. हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम इस ग्रैंड आई 10 नियोस स्पोर्ट्स वर्जन जो कि सीएनजी गाड़ी है, इसका ओनर रिव्यू करने वाले हैं। इस गाड़ी को पूरे 6 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। इसके जो फीडबैक रहा बहुत ही गजब का रहा। इसके सारी जो खूबियां हैं वो मैं इस वीडियो में आज आपको बताऊँगी, और साथ ही कुछ कमियाँ भी हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं डिटेल्स में, इसको जानने के लिए गाड़ी कैसी है, इसके इंटीरियर पार्ट्स के बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, ये गाड़ी हमने 14 सितंबर 2021 को परचेज़ की थी, और इस गाड़ी का 6 महीने से लगातार ही गाड़ी चल रही है। बहुत ही अच्छा रिव्यू मिला है मुझे, बहुत अच्छा फीडबैक है इस गाड़ी का। ये जो गाड़ी है, स्टार्ट करने में या रेस देने में या ब्रेक देने में किसी भी तरह से कभी भी परेशान नहीं करती है। ओवरटेक करना हो या आपने 100 की स्पीड पर चलाना है, फ्रेंड्स इसका जो स्टेयरिंग है ये इतना मक्खन मलाई सा है कि मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकती हूँ। मज़ा आ जाता है गाड़ी की ड्राइविंग में, बहुत मज़ा आता है। और साथ में जो ये इसका गियर सिस्टम है, गियर सिस्टम भी बहुत अच्छा है, बहुत सॉफ्टली इसके गियर लगते हैं, गियर शिफ्टिंग बहुत बढ़िया है इसकी। और साथ ही फोग वाले दिनों के लिए स्पेशली जो डीफोगर है पीछे, मुझे काफ़ी दिक्कत आती थी जब इससे पहले मैंने सेंट्रो गाड़ी चलाई है 4-5 साल, तो उसमें मुझे ये प्रॉब्लम आती थी जब फोग होती है तो उसमें ड्राइविंग करने में काफ़ी रिस्की रहता था। लेकिन इसमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आई वो वाली, क्योंकि डीफोगर इसका बहुत अच्छा काम करता है। साथ ही इसकी जो फ्रंट में एसी का सिस्टम लगा हुआ है, ये एसी का सिस्टम भी बहुत अच्छा काम करता है। इसमें देखिए रियर और फ्रंट दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, इसके फीचर्स बहुत बढ़िया हैं। साथ ही इसका जो म्यूज़िक की क्वालिटी है, साउंड क्वालिटी बहुत गजब की है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मज़ेदार इसकी साउंड क्वालिटी है। और स्टीयरिंग पे जो फ़ोन के फीचर्स दिए गए हैं, फ़ोन कॉल रिसीव करना, ये भी सेंट्रो में तो नहीं था, इसमें काफ़ी अपडेटेड वर्जन है। हाँ, ये देखिए ये माइक है फ़ोन के लिए, जब आपकी फ़ोन कॉल आ जाती है तो आप रिसीव नहीं कर पाते हैं अगर इसमें ये सिस्टम ना हो। तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा सिस्टम जोड़ा है इसमें। ये जो इसके फीचर्स हैं स्टीयरिंग पे, फ़ोन कॉल रिसीव करना, काटना और फ़ोन मिलाना हो तो टच स्क्रीन है इसमें, देखिए ये फ़ोन का ऑप्शन दे रखा है। इसमें हमें अचानक से कोई कॉल करनी होती है तो इसमें हमारा फ़ोन कनेक्ट हो जाता है। अभी मेरा वो वाला फ़ोन यहाँ पर है नहीं, तो इसमें सारे खुल जाते हैं ऑप्शंस, तो हम फ़ोन कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो साथ ही मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि गड्ढों में बहुत ही बढ़िया गाड़ी चल देती है, क्योंकि मुझे जहाँ जाना होता है डेली, वहाँ पर 3-4 किलोमीटर ऑफ रोडिंग है, बहुत ज़्यादा गड्ढों वाला रोड है, तो उस पर भी ये गाड़ी बहुत साथ देती है। और मुझे एक बार की बात याद आती है कि काफ़ी ऊंची चढ़ाई थी, उसके बाद गहरा गड्ढा था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि आसपास के जो मेल ड्राइवर्स हैं, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि क्या ये निकाल पाएगी यहाँ से। तो वो मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग टास्क था, और सच बताऊँ तो मुझे भी मन में थोड़ा सा डर था कि पता नहीं क्या होगा। लेकिन इस गाड़ी ने बहुत साथ दिया मेरा, और बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं उसको गड्ढे में से ढलान फिर गड्ढा पूरे अच्छे तरह से मैं वहाँ से ले जा पाई गाड़ी को। तो गाड़ी नो डाउट परफेक्ट है, ग्रेट है, ज़बरदस्त गाड़ी है। आप आँख बंद करके इसको ले सकते हैं। इससे पहले जब ये गाड़ी मुझे ख़रीदनी थी तो बहुत सी गाड़ियों की मैंने टेस्ट ड्राइविंग ली, और नेक्सॉन की भी अच्छी गाड़ी है नेक्सॉन, लेकिन उसकी वेटिंग बहुत लंबी थी,
उसको हमने बुक कराया और उसकी 6 महीने की वेटिंग के बाद उसको कैंसिल भी कराया। ऐसे मैग्नाइट भी और भी बहुत सी गाड़ियाँ जिनको बुक कराया और लास्ट में हमें कैंसिल करानी पड़ी, लेकिन ये गाड़ी एक ऐसी गाड़ी है जिसने टाइम पर डिलीवरी दी। 4 वीक की इसकी वेटिंग थी, 4 वीक में हमें डिलीवरी हो गई इसकी। सर्विस है कंपनी की वो भी बहुत अच्छी है, क्योंकि उन्होंने जो वेटिंग पीरियड हमें बताया था उसी के अनुसार हमें 4 हफ्ते के बाद गाड़ी डिलीवर हो गई, और तब से लेकर अभी तक गाड़ी ने पूरा साथ दिया है। तो ये सारे इसके प्लस पॉइंट्स हैं, इसके बोनस पॉइंट्स हैं सारे जो मैंने अभी डिस्कस किए। फ्रेंड्स, ये कार जो है पिछले 6 महीने में 4176 किलोमीटर चल चुकी है। आप देख सकते हैं रीडिंग इसकी 4176 किलोमीटर ये गाड़ी अभी तक चल चुकी है। और साथ ही इसमें बहुत अच्छा जो फीचर है, जो स्पेशली मुझे लगता है लेडीज़ के लिए, गर्ल्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, वो है इसकी हाइट एडजस्टमेंट। हाइट एडजस्ट हो जाती है इसकी, और साथ में स्टेयरिंग भी मूवेबल है, आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं। तो हम स्टेयरिंग की बात कर रहे थे, ये स्टेयरिंग जो है इसका, ये देखिए अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग आप इसको नीचे ऊपर एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए जहाँ भी आपका विज़न, आपकी जो विजिबिलिटी अच्छी से बन जाए वहीं पर आप इसको सेट कर सकते हैं। तो ये भी इसमें काफ़ी अच्छा फीचर दिया कंपनी ने। हाँ, मैं हाइट के बारे में तो इसका बता ही चुकी हूँ, सीट इसकी हाइट एडजस्टमेंट वाली है, तो आप जितना भी इसको चाहते हैं उतना ऊंचा हो सकती है हाइट अपने, जिनकी हाइट शॉर्ट है, जैसे कि मैं खुद भी, मेरे लिए काफ़ी बड़ा इशू था कि सीट पर बैठ के क्या मैं क्लच ब्रेक सब चीज़ों में कंफर्टेबल रहूँगी। तो ये वाली फ़ीचर भी मुझे काफ़ी इसकी पसंद आई। साथ ही गाड़ी का जो केबिन का नॉइस है वो बिल्कुल भी नहीं है, एकदम साउंड प्रूफ गाड़ी है, केबिन में कोई नॉइस नहीं है। जबकि गाड़ी स्टार्ट भी हो, चल भी रही हो, तो हमें बिल्कुल नहीं पता लगता कि गाड़ी चल रही है, अंदर का इसका साउंड बिल्कुल ज़ीरो है। और एसी की क्वालिटी बहुत अच्छी है, चिल्ड कर देता है बिल्कुल, ज़बरदस्त गर्मी में भी आप 2 मिनट में बैठते ही लगेगा कि गाड़ी बिल्कुल चिल्ड हो गई है, ऑटो कट मार जाता है उसके बाद। और जो इसके आगे के फंक्शंस हैं, ये आपको फोग के दिनों में काफ़ी काम आते हैं, रियर के, फ्रंट के, जब इसमें ओस जम जाती है, फोग होती है काफ़ी, तो ये फीचर्स काफ़ी कामयाब हैं इसके। और पीछे भी इसका एसी का सिस्टम लगा हुआ है। और साथ में हमारी फैमिली जब पीछे बैठी हो तो उनके लिए भी काफ़ी कंफर्टेबल फीचर है, एसी पीछे भी है इसमें, तो वो भी काफ़ी चिल्ड कर देता है, काफ़ी बढ़िया। और साथ में ये देखिए, ये जो सन वाइजर्स हैं इसमें, जो इससे पहले सेंट्रो कार थी उसमें थोड़ा सा मेरे अकॉर्डिंग ये काफ़ी ऊंचा रह जाता था, लेकिन अभी इसमें बिल्कुल कंफर्टेबल है ये वाली चीज़ भी। तो हर तरह से कह सकते हैं हम गाड़ी परफेक्ट है। ये देखिए यहाँ शीशा भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं इसमें, ये मिरर भी है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे लिए काफ़ी वैल्यूएबल हो जाती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका फ़ोन रखने के लिए है सिस्टम, और साथ में यहाँ आप अपने कप होल्डर भी है इसमें, देखिए यहाँ पर आप काफ़ी अच्छा स्पेस दे रखा है, स्टोरेज करने के लिए सामान रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें अपनी, और बोतल के लिए भी स्पेस दे रखा है, 1 लीटर की बोतल आ सकती है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी एवरेज की। इसकी गाड़ी की जो एवरेज है बहुत ही बढ़िया एवरेज है, 28 किलोमीटर 1 किलो CNG में ये एवरेज मुझे दे रही है स्टार्टिंग से ही, तो गाड़ी की काफ़ी अच्छी एवरेज ये निकाल रही है। 30 किलोमीटर मेरा आना जाना होता है डेली का, तो काफ़ी किफ़ायती गाड़ी मुझे ये मिली है, जिसमें कि मेरा डेली का अप डाउन बड़े सस्ते में चल जाता है। साथ में अब थोड़े से इसके जो माइनस पॉइंट्स हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, और वो भी मेरे लिए, मुझे लगता है ये माइनस है, ज़रूरी नहीं है वो सभी के लिए माइनस हो। पहली चीज़ तो ये है, ये आप देख रहे हैं ये जो ये वाला पिलर है इसका, ये काफ़ी चौड़ा है, और जब हमें कहीं पर मुड़ना होता है तो ये विजिबिलिटी को काट देता है। तो थोड़ी सी इस चीज़ में, और गाड़ियों में भी है ये प्रॉब्लम, लेकिन इसका थोड़ा सा कम कर सकते हैं इस चीज़ को, तो और अच्छी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी इसकी जो विजिबिलिटी है मोड़ के टाइम। इसका जो सेकंड पॉइंट है, माइनस पॉइंट, जो मुझे लगता है ज़रूरी नहीं है वो सभी को लगे, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने का जो फंक्शन है इसमें, उसमें जो बीप साउंड है वो बहुत तेज़ है, काफ़ी लाउड साउंड होता है इसमें, जो कि मुझे पसंद नहीं है। शुरू से बस यही एक माइनस पॉइंट था जिसकी वजह से मुझे लगता था आइडिया ड्रॉप करना पड़ेगा, लेकिन फिर मैंने और भी इसकी गाड़ी देखी, तो जो i20 है उसमें भी सेम फीचर है,
वो भी इतना ही तेज़ आवाज़ करती है गाड़ी को जब हम अनलॉक करें या लॉक करें। तो इस पे मुझे लगता है कंपनी को थोड़ा सा काम करना चाहिए, या तो ये सिस्टम हो कि इसको बंद कर सके हम, ये साउंड बंद हो जाए तब भी ठीक है, क्योंकि कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर ये साउंड बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है जब ये इतनी तेज़ आवाज़ करती है जब हम इसको लॉक करते हैं या खोलते हैं गाड़ी अनलॉक करते हैं तब भी इतना ही तेज़ साउंड करती है। बाकी ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो गाड़ी बहुत अच्छी है, जो भी इसको लेना चाहते हैं और ख़ास तौर से लेडीज़ और गर्ल्स जो गाड़ी ड्राइव करती हैं उनके लिए तो मुझे लगता है बेस्ट ऑप्शन यही होगी। हालांकि मेरी गाड़ी ये गियर वाली है, इसमें गियरलेस भी आते हैं पेट्रोल में, तो दोनों ही तरह से गाड़ी बहुत अच्छी है, आप गियरलेस लें या गियर विद गियर वाली लें, गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। शुरू से एंड तक 6 महीने से मैं डेली इसको ड्राइव कर रही हूँ, अभी तक मुझे इसने कहीं भी परेशान नहीं किया है, गाड़ी ने खूब साथ दिया है, ओवरटेक करने में, रेस देने में, ब्रेक लेने में, हर तरह से, गड्ढों में, सब तरह से गाड़ी बहुत अच्छी है। और अब इसके प्राइस की रेट की बात कर लेते हैं, गाड़ी ये टॉप वर्जन है सीएनजी का और ये मुझे 8,40,000 की पड़ी थी गाड़ी, और कुछ इसमें मुझे 5,000 का बेनिफिट गवर्नमेंट जॉब की वजह से थोड़ा मिल गया था, बाकी आप 8.5 तक के मान सकते हैं गाड़ी 8.5 लाख में। उसके अलावा मैंने थोड़े से इसमें कुछ एक्सेसरीज़ भी लगवाई हैं बाद में, वो आपका ऑप्शनल है आप लगवाएं या ना लगवाएं, लेकिन गाड़ी बिना एक्सेसरीज़ लगवाए भी इतनी अच्छी लुक देती है, रोड प्रेजेंस इसकी बहुत अच्छी है, लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं कितनी सुंदर बढ़िया कलर की गाड़ी जा रही है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और क्योंकि इसको 6 महीने हो गए हैं इसलिए मुझे लगा था कि मुझे ओनर रिव्यू करना चाहिए सभी के लिए, क्योंकि हम भी जब गाड़ी लेने जा रहे थे तो बहुत सारे मैंने YouTube पर ओनर रिव्यूज़ देखे और तभी माइंड मेकअप किया कि मुझे क्या लेना चाहिए। तो मुझे लगता है किसी के लिए अगर ये फ़ायदेमंद रहेगा तो मेरा ये वीडियो बनाना सफल होगा। थैंक यू वेरी मच।